भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कल दोपहर जब यूरोपियन सांसदों को भोज दे रहे थे, तब केवल पाकिस्तान ही नहीं भारत की खा रहे वे फंटर भी सकते में थे, जिन्हें कश्मीर में बस पाकिस्तान के अलावा कुछ भी नहीं दिखता है। दोपहर की इस भोज की सबसे खास बात यह थी कि इसमें ईयू सांसदों के अलावा जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री मुजफ्फर बेग, पूर्व पीडीपी नेता अल्ताफ बुखारी, कश्मीर की प्रखंड विकास परिषद यानी बीडीसी के कुछ नव निर्वाचित सदस्यों के अलावा कई कश्मीरी बुद्धिजीवी और नेता भी शामिल थे। दरअसल यूरोपियन सांसदों को कश्मीर का दौरा कराने के पीछे सरकार की बड़ी कूटनीति है। सरकार ने घाटी की स्थिति के बारे में पाकिस्तानी दुष्प्रचार का मुकाबला करने के लिए यह कदम उठाया है। यूरोपियन संसद के 27 सांसद आज श्रीनगर में पहुंच चुके हैं। वे आज और कल 2 दिन तक कश्मीरियों से मुलाकात करने के अलावा पाकिस्तान की तरफ से हो रही जिहादियों की घुसपैठ के बारे में भी विस्तार से जानेंगे। इस प्रतिनिधिमंडल में यूरोपियन संसद के 9 देशों के सांसद हैं, जिनमें इटली, फ्रांस, चेक गणराज्य, जर्मनी, ब्रिटेन जैसे देश शामिल हैं। इन सांसदों का प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा जम्मू कश्मीर के राज्यपाल से मुलाकात का कार्यक्रम भी है। मोदी सरकार द्वारा चली गई इस कूटनीतिक चाल से पाकिस्तान बिलबिला गया है। पाकिस्तान इस बात से बेचैन है कि यूरोपियन सांसद उसकी पोल पट्टी दुनिया भर में खोल देंगे। यूरोपियन यूनियन की ताकत का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि यह यूरोप के देशों का एक बड़ा गुट है, और यह जिस देश के पक्ष में खड़ा हो जाता है पलड़ा उधर का ही भारी हो जाता है। यूरोपियन संघ में 28 देश हैं, इनका समर्थन भारत के लिए बड़ी जीत है। इससे पहले भी यूरोपियन संसद कश्मीर पर पाकिस्तान को खरी खोटी सुना चुकी है, पर मामला यहां तक नहीं है। पाकिस्तान ने ईयू के इस दौरे पर ही सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। इसके लिए कांग्रेस युवराज राहुल गांधी ने फिर से पाकिस्तान की मदद की है। राहुल का यह ट्वीट पाकिस्तान जोर शोर से उछाल रहा है, जिसमें उसने कहा है कि कश्मीर में कांग्रेस के सांसदों को जाने की मनाही है, जबकि ईयू के सांसदों को पूरी छूट है। राहुल के इसी ट्वीट से प्रेरित होकर पाकिस्तान इससे भी 2 कदम आगे चला गया है। उसका कहना है कि यूरोपियन यूनियन के 27 सांसदों में से 22 सांसद मुसलमानों के खिलाफ हैं। वे मुसलमानों पर कटाक्ष करने के लिए जाने जाते हैं, इसलिए उनसे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है। इनका मतलब यह है कि पाकिस्तान टर्की और मलेशिया के मुसलमान निष्पक्ष लोग हैं, बाकी सब पक्षपाती यानी जिहादी पैदा करने वाले और कटोरा उठाकर भीख मांगने वाला पाकिस्तान जब इन्हीं यूरोपियन देशों के आगे गिड़गिड़ाता है, तब इसे पक्ष विपक्ष दिखाई नहीं देता है। गौरतलब है कि पाकिस्तान दुनिया भर में अब तक प्रचार कर रहा है कि 85 दिन बाद भी कश्मीरी कर्फ्यू में कैद है, भारत सरकार द्वारा उनके अधिकारों को कुचला जा रहा है, जबकि वास्तविकता यह है कि कश्मीर में इस वक्त कहीं भी कर्फ्यू है ही नहीं, बल्कि कुछ भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर धारा 144 जरूर लगाई गई है। श्रीनगर के बाजारों में चहल पहल है और कश्मीरियों की दिनचर्या नियमित रूप से पटरी पर लौट आई है। यहां पर सेना मौजूद तो है, पर वह कश्मीरियों की सुरक्षा के लिए है, न कि उनका दमन करने के लिए। पाकिस्तान इस सत्य से वाकिफ है कि जब 28 देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रभावशाली नेता कश्मीर में जाएंगे तो उन्हें वहां जो दृश्य दिखाई देगा वह पाकिस्तान द्वारा चलाई गई अलिप लैला से बिल्कुल अलग होगा। पाकिस्तान अपने इसी झूठ की पोल खुलने से घबरा रहा है, और उसमें उसकी मदद कर रही है कांग्रेस पार्टी। पाकिस्तान को तो जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री के ईयू के साथ भोजन करने पर भी साजिश नजर आ रही है। पाकिस्तान ऐसा प्रचारित कर रहा है कि ईयू के सांसद भारत के पक्ष में बयान देने के लिए आमंत्रित किए गए हैं, जबकि वह इस बात से भी डरा हुआ है कि एक साथ इतने देशों पर सवाल उठाने के कारण उसके कूटनीतिक संबंधों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसके लिए उसने पाकिस्तान की गुलाम मीडिया का सहारा लिया है, जिसके पर पाकिस्तान ने इतने कुतर दिए हैं जो केवल फड़फड़ा सकती है। मतलब साफ है, मोदी के इस कूटनीतिक दांव से पाकिस्तान की घेराबंदी करने का इससे बढ़िया जवाब दूसरा नहीं हो सकता था, जिसने एक ही झटके में 28 देशों को कश्मीर में आमंत्रित कर दिया।
इसका श्रेय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की रणनीति को जाता है। उन्होंने अपनी यूरोप यात्रा के दौरान ही इन सांसदों को भारत में आने के लिए आमंत्रित किया था। काफी सोच विचार के बाद सरकार ने इस यात्रा को सफल बनाने के लिए अमली जामा पहनाया है। दरअसल अमरीकी सांसदों और ब्रिटेन के कुछ नेताओं ने भी कश्मीर में आने की इच्छा जताई थी, लेकिन सरकार ने अलग अलग देशों को कश्मीर में भेजने के बजाय 28 देशों के गुट यूरोपीय संघ को इसके लिए स्वीकृति दे दी। वैसे भी इस वक्त घाटी के हालात 95% ऐसी यात्रा के लिए अनुकूल हो चुके हैं। अब वह वक्त आ गया है जब दुनिया भर में पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा की पोल खोलकर उसे फिर से झूठा घोषित कर दिया जाए, क्योंकि एक झूठ को परास्त करने के लिए 27 सच दुनिया की आंखें खोलने के लिए काफी हैं। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।